काटा तो खैर नहीं, आलोक शर्मा ने साफ कर दिया है। जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेकर करें काम, पेड़ काटकर डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। ऐसी योजना ना बनाएं जिससे सरकार की छवि खराब हो, ये मेरी समझाइश भी है और चेतावनी भी है। ये बड़ा संदेश, बड़ा चेता दिया गया है अपनी तरफ से सांसद ने। भोपाल में बीजेपी सांसद ने अफसरों को चिताया कि एक भी पेड़ काटा तो खैर नहीं, आलोक शर्मा का साफ तौर पर कहना है। जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेकर काम करें, पेड़ काटकर डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। ऐसी योजना ना बनाएं जिससे सरकार की छवि खराब हो, ये मेरी समझाइश भी है और चेतावनी भी है। कई बार देखने में ये आ रहा है कि अधिकारी लोग विकास के नाम पे डेवलपमेंट क्या है नाम के ऊपर कुछ तो भी प्रस्ताव बना देते हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते, कभी पार्षदों से नहीं पूछते, कभी विधायकों से नहीं पूछते, कभी महापौर से नहीं पूछते, कभी सांसदों से नहीं पूछते और प्रस्ताव बढ़ा देते हैं और उस प्रस्ताव के अंदर कई प्रकार के वृक्ष होते हैं वो काटने का प्रावधान होता है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब होती है। मैं सभी अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर भोपाल में डेवलपमेंट का जो भी प्रस्ताव बनाए उसमें वृक्ष नहीं कटे, पेड़ नहीं कटे। मैं किसी भी कीमत पे भोपाल में हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ लगे उनको काटकर भोपाल का डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। और अब आगे बढ़ेंगे जहां बालाघाट दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 28 जवानों को आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया है। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में हॉक फोर्स के 28 जवानों को आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया गया। साथ ही इन सभी जवानों को बैच लगाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। गौरतलब है कि इन जवानों ने 1 अप्रैल 2024 को लांजी के पितकोना केरझीली जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया था और अब इन्हें आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया गया है। बैच लगाकर इन्हें प्रमोशन दिया गया है। नक्सलवादी मूवमेंट में हमारे जवानों ने जो बहादुरी से अपना अपना रोल अदा किया, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 26 तो जवानों को वर्तमान में प्रमोशन दिया गया, 2 पूर्व जवानों को जिनने काल के प्रवाह में गैप हो गया लेकिन उनका भी प्रमोशन किया गया। बालाघाट के सभी प्रकार के सशस्त्र बलों में खास करके हमारे अपने जिला पुलिस बल, हमारे SF के जवानों ने जो भूमिका अदा की है, हॉक फोर्स के जवानों ने भूमिका अदा की है, भारत सरकार की भी CRPF की 3 बटालियन की 18 कंपनियां यहाँ हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और इस आधार पर निश्चित रूप से देश के दुश्मनों की कमर तोड़ने में हमारा सशस्त्र बल सक्षम रहेगा। हमने नक्सलियों को आत्मसमर्पण की नीति भी बनाई है, मुझे इस बात का संतोष है कि उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया है और हमारा ये सर्वाधिक समस्याग्रस्त जिला अब धीरे धीरे सामान्य हुआ है। दिल्ली में संगठन की बैठक में शामिल होकर सीएम साय रायपुर लौट आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने कहा कि समय पर विस्तार होगा। कल छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सभी सांसदों के साथ बैठक थी और इसमें राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मीटिंग में शामिल थे। दिल्ली में नीट के छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में सख्त है। HRD मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। कल हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसदों के साथ बैठक था और ये बैठक परिचयात्मक था और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री शिव प्रकाश जी जो उपस्थित थे और हम लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, हम भी गए थे। सर, जब जब दिल्ली आप जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती है, क्या कुछ चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है वो तो समय पर होगा ही। सर, नीट की बहस को तैयार नहीं है सरकार, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब उसमें तो बोल रहे हैं हमारे मंत्री HRD मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई हो भी रही। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बुरी तरह आपस में ही लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हार का ठीकरा ये किसके सिर पर फोड़ते हैं। अरुण साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा एक ही परिवार के लिए काम किया है, जनता कांग्रेस को नकार चुकी है।
प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस ने कभी जनता के लिए, प्रदेश के लिए राजनीति नहीं की। एक परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए राजनीति ये करते हैं तो कांग्रेस से। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं हुई, ये कहना है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया का। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी लोगों से चर्चा हुई है, पार्टी में कोई भी कमी है तो उसे पूरा करने पर चर्चा हुई, मीटिंग में वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने पर चर्चा हुई और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात हुई। कांग्रेस की फैक्टिव फाइंडिंग कमेटी आज बिलासपुर के दौरे पर है। चर्चा हुई है, पार्टी में कहीं कोई कमी रहती है तो उस पर विचार किया जाता है, उसको दूर करने काम किया जाता है और यही किया गया। कहीं कोई इस तरह की व्यक्तिगत किसी की शिकायत नहीं है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, पार्टी को चुनावों के लिए किस तरह से आगे तैयार करके रणनीति तैयार किया जाए, सभी लोगों को लेकर कैसे काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और संगठन में कहाँ कमी रही है उन चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है और इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, किसी को दरकिनार नहीं किया गया था। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी को लोगों को सहयोग लिया गया था। अब चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसकी समीक्षा होती है और आगे अच्छा किया जाए उसके लिए विचार भी किया। और खबर इंदौर से, जहां छत से कूदी युवती का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। सुसाइड से पहले युवती का सीसीटीवी वीडियो सामने